हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मुंबई के जुहू इलाके में और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रंजीत जी का घर। जी हां दोस्तों, 70-80 दशक के एक ऐसे अभिनेता जो हर मूवी में खलनायक और रेपिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। रंजीत जी को कौन नहीं जानता होगा। आप लोगों ने उनकी प्रेम प्रतिज्ञा मूवी, नमक हलाल, कारनामा, धर्मात्मा, धर्मवीर, ये सारी मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा। और 2012 में एक मूवी आई थी हाउसफुल 2, जिसमें अक्षय कुमार मेन भूमिका में थे। वो मूवी तो आप लोग देखे ही होंगे। वो इतने गजब के कलाकार हैं ना रंजीत जी। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं कि इतने बड़े खलनायक का रोल अदा करने वाले रंजीत जी का आखिर रियल लाइफ कैसा है, उनके बेटे का क्या नाम है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, उनके घर में कौन कौन है, उनका घर कहां पर है, उनका नेटवर्थ क्या है और रंजीत जी अभी करते क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, उनको लोग ना रेपिस्ट के नज़रिए से देखने लगे थे, क्योंकि कई सारी मूवी में ना वो रेपिस्ट का ही रोल अदा किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं 70-80 दशक के इतने मशहूर फेमस खलनायक का रोल अदा करने वाले रंजीत जी की असल ज़िंदगी कैसी है और उनका घर कहां पर है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फाइनली हम जुहू में एंट्री कर चुके हैं और अभी कुछ ही देर में हम रंजीत बेदी जी के घर पर पहुँच जाएंगे, जो फिल्मों में खलनायक की भूमिका अदा करते थे और लड़कियों के साथ रेप करते हुए देखे जाते थे, वही है रंजीत बेदी। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें, रंजीत बेदी का पूरा नाम गोपाल बेदी है और इनको लोग प्यार से रंजीत और गोली के नाम से पुकारते थे। इनका जन्म जो है ना वो 12 नवंबर 1946 को जंडियाला गुरु अमृतसर पंजाब में हुआ था। दोस्तों, आप लोगों ने बॉलीवुड की रेशमा और शेरा, खोटे सिक्के, आपकी कसम, नागिन, धर्मात्मा, धर्मवीर, छैला बाबू, अमर अकबर, एंथनी, खून पसीना, नमक हलाल, सुहाग, चोरों की बारात, पांच कैदी, हमसे बढ़कर कौन, याराना, लवारिस, नो प्रॉब्लम, हाउसफुल 2, शूट आउट एड वडाला जैसी फिल्में जरूर देखी होगी। इन सभी फिल्मों में ना रंजीत बेदी अपना बहुत ही जोरदार का अभिनय बिखेरे हुए हैं। तो चलिए, अभी हम पहुँच चुके हैं रंजीत बेदी जी के घर के पास। तो फाइनली अभी देखिए, इसी के रास्ते से हमें थोड़ा सा आगे चलना है और ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ना, यही उनकी बिल्डिंग का मेन गेट है। जी हाँ, और ये कहाँ पर, इनके घर का एड्रेस क्या है, वो अभी हम आगे आपको सब कुछ अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग में रहते हैं हमारे रंजीत बेदी जी, यानी कि गोपाल बेदी जी। ये बिल्डिंग जो है ये व्हाइट हाउस के नाम से जानी जाती है और ये सिल्वर बीच अपार्टमेंट है, जो कि मुंबई के जुहू में स्थित है। यही उनके घर का मेन गेट है। इसी घर में उनकी पूरी फैमिली अभी भी रहती है। देखिए, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहीं पर इसी बिल्डिंग में वो रहते हैं और यहीं पर वो वॉकिंग भी करते हैं। ये उनका वॉकिंग एरिया है, जहां पर लोग टहलने के लिए सुबह शाम निकलते रहते हैं। तो ये आलीशान सी बिल्डिंग जो आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है सिल्वर अपार्टमेंट। ये जुहू मुंबई में है और इसी के फ्लैट में रहते हैं हमारे रंजीत बेदी जी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बाहर का नज़ारा क्या है, आसपास का नज़ारा क्या है, किस तरह का माहौल है। ये लोग काफ़ी शांत इलाके में रहना पसंद करते हैं। रंजीत बेदी के पिता का नाम द्वारका प्रसाद बेदी था, जो कि एक व्यवसायी थे, और इनकी माँ गृहिणी थी। इनके भाई का नाम है प्रेम बेदी और रमेश बेदी। इनकी एक बहन भी है। आपको बता दें, इनके इस अपार्टमेंट का पूरा एड्रेस है 14 सिल्वर बीच, एबी नायर रोड, जुहू, मुंबई। रंजीत बेदी ने अपनी शादी 1986 में अलोका बेदी से की है, जो कि एक हाउसवाइफ है, और इनके दो बच्चे हैं। इनकी बेटी का नाम है दिव्यांका और वो एक फैशन डिजाइनर है, और इनके बेटे का नाम है चिरंजीवी बेदी, जो कि एक धावक है, यानी रेसर है। ये जो आप लोग आलीशान सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गेट आपको दिखाई दे रहा है, इसी के आलीशान फ्लैट में रंजीत बेदी अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं और इनके पास ना
मर्सिडीज बेंज से लेकर बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं और ये लग्जरी लाइफ जीते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, रंजीत भले ही फिल्मों में एक विलन और रेपिस्ट का रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बिल्कुल शांत और शर्मीले तरह के इंसान है। कम ही लोग जानते हैं कि रंजीत बेदी का असली नाम गोपाल बेदी है। रंजीत नाम उन्हें उनके खास दोस्त सुनील दत्त जी ने दिया था। बता दें कि रंजीत एक्टर नहीं बल्कि एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग लेने के दौरान वहां से उनके निकाले जाने के बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। रंजीत बेदी ने 1970 में आई फिल्म सावन भादो से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्हें फिल्मों में शुरुआत से विलेन का रोल ही ऑफर हुआ। हालांकि उन्हें पहचान 1971 में आई फिल्म शर्मीली से मिली थी। दोस्तों, रंजीत जी का अफेयर राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाड़िया के साथ भी था। राजेश खन्ना इस अफेयर से खुश नहीं थे। फिल्म छैला बाबू 1977 की शूटिंग के दौरान सिंपल की वजह से राजेश खन्ना और रंजीत के बीच में जमकर झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े के बाद सिंपल और रंजीत अलग हो गए थे। आपको बता दें, 78 साल के रंजीत इस उम्र में भी बेहद ही फिट हैं और वो अभी भी लग्जरी लाइफ जीते हैं। अगर रंजीत बेदी की नेटवर्थ की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ करीब 45 करोड़ रुपए है और इनके पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और टोयोटा जैसी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल है। तो रंजीत बेदी जो कि फिल्मों में खलनायक का रोल अदा करते हुए नजर आते थे, वो इसी घर में मुंबई में रहते हैं। यहाँ गेट पर आप लोग देख सकते हैं लिखा भी है 14 सिल्वर बीच अपार्टमेंट। जी हाँ, यही उनके घर का मेन गेट है। इसके अंदर ही उनका वो अपार्टमेंट है सिल्वर बीच। तो उम्मीद करूँगा गाइज ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का ब्लॉग पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।